नमस्कार, नौवे सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के तौर पर कैसे विकसित कर सकते हैं। पहले जानिए महिला हितैषी पंचायत क्या है और क्यों जरूरी है। महिला हितैषी पंचायत या गांव का विजन लैंगिक समानता हासिल करना है। इसके साथ ही महिलाओं को समान अवसर व समान अधिकार प्रदान करने के साथ साथ सशक्तिकरण के अवसर और महिलाओं की भलाई के लिए सुरक्षित व बेहतर वातावरण प्रदान करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण की उचित सुविधाएं मुहैया कराना है। इसका उद्देश्य अपराधों को कम करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को सुरक्षित बनाना, सतत विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करना और जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना आदि है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए विकास एवं खुशहाली सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायतों की होती है। इसके साथ ही ग्रामीण अंचल में लैंगिक समानता बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पंचायतों की ही होती है। महिलाएं और बालिकाएं विकास की प्रक्रिया से वंचित न रह जाएं, पंचायतों को इसका भी ध्यान रखना होता है। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हो रहे लैंगिक भेदभाव को खत्म करना भी ग्राम पंचायत का काम है। इसके अलावा क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने की जिम्मेदारी भी पंचायतों की है। हम कब कह सकते हैं कि हमारी पंचायत महिला हितैषी पंचायत है? जब महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव सभी रूपों में समाप्त हो गए हों, जब महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ सार्वजनिक एवं निजी जीवन में होने वाली सभी प्रकार की हिंसा समाप्त हो जाए, जब बाल विवाह, जबरन विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, दलित महिलाओं से हिंसा, डायन प्रथा जैसी आदि कुप्रथाएं समाप्त हो जाए, जब महिलाओं और बालिकाओं को समान अवसर मिल रहे हों। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो रही हो, पंचायतें यह भी सुनिश्चित करें। स्कूली बच्चों के लिए साइबर अपराध और मादक द्रव्यों के दुष्परिणाम एवं दुष्प्रभाव पर कार्यक्रम का आयोजन हो। स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए आवागमन सुरक्षित हो। GPDP में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्राम संगठन द्वारा तैयार ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना को सम्मिलित किया गया हो। मानव तस्करी और बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से 18 साल से कम उम्र की सभी लड़कियों का पंजीकरण हो। महिलाओं के भागीदारी में सुधार लाने के लिए संस्थानों में क्रैच और यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन किया गया हो। पंचायत की सभी वैधानिक समितियों और महिला सभा में नियमित आधार पर महिलाओं की भागीदारी हो। महिला वार्ड सदस्यों के स्थान पर परिवार के पुरुष सदस्यों की पंचायत बैठक में पूरी तरह से प्रतिबंध हो। आइए हम कुछ विशेषज्ञ और स्थानीय कार्यकर्ताओं से सुनते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। क्या कारण है कि गांव की संगठित महिलाएं अपने समूहों की बैठकों में, अपने ग्राम संगठनों की बैठकों में इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करती हैं, उस पर एक्शन लेती हैं, लेकिन जब यही महिलाएं पंचायतों में आती हैं तो अपनी बात को रख नहीं पाती हैं, कुछ बोल नहीं पाती हैं, या बहुत से ऐसे गांव हैं, पंचायत हैं जहाँ पर महिलाएं पंचायत में आने में झिझकती भी हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये पंचायत को सोचना चाहिए और पंचायतें कैसे इस तरह का एक सुरक्षित वातावरण बना सके कि गांव के कोई भी महिलाएं उनके पंचायतों में, ग्राम सभाओं में आएं, अपनी बात को रखें और महिलाएं निर्णय, निर्माण, निगरानी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी दें, तभी पंचायतें महिला हितैषी पंचायतें बन पाएंगी और उनके पंचायतों में किसी भी महिला, बालिका या किशोरी का किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि महिला संगठन और ग्राम पंचायत के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो, जिससे कि जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत ने हम लोगों को 9 साल के लिए जो पंचायती ज़मीन है वो लीज पे दी, जिससे कि यहां पर हमारी महिला संगठन के माध्यम से यहां पे थाई अमरूद, एप्पलवेयर, सुरजना और सीताफल के पौधे
लगाए गए और बीज प्रोग्राम भी लिया गया कंपनी के माध्यम से, जिससे कि हम किसानों को कम दर पे बीज दे सकें तो उनकी जो आजीविका है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि कम पैसे में अगर उनको बीज मिलेगा तो उनका उत्पादन बढ़ेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मैं चाहती हूँ कि सारी पंचायतें महिला संगठनों के साथ अच्छा समन्वय स्थापित करें, जिससे कि ग्रामीण लेवल पे जो गरीब परिवार है उनकी आजीविका बढ़ाई जा सके। किसी भी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत बनाने के लिए ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई पंचायत इस दिशा में पहल करती है तो निश्चित तौर पर वो पंचायत महिला हितैषी पंचायत के संकल्प को हासिल कर सकती है। आइए अब समझते हैं कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। नरेगा, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, किशोरी शक्ति योजना, मिशन पोषण 2.0, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पहल में लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला एवं वन स्टॉप सेंटर, निर्भया फंड, 1098 महिला हेल्पलाइन, स्वाधार गृह, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ICDS अम्ब्रेला स्कीम, शिक्षा और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता STP, माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं को पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना NSI GSE। महिला हितैषी पंचायत बनाने के लिए इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि यह सत्र महिला हितैषी ग्राम पंचायत के संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, भारत सरकार एवं ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों, FLW, समुदाय कार्यकर्ता एवं विभिन्न विभागों प्रतिनिधियों के लिए तैयार किया है। आशा है ये मॉड्यूल पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों एवं संकल्पों को हासिल करने में सहयोगी होगा। धन्यवाद।